और किबला सुलेमान शाह जी, नादिन है कि मैं ये भी कह दूं कि उनकी चौखट पे सर रख के मैं रो आया हूँ, रहमत से उनकी मैं गुनाहों को अपने धो आया हूँ, और बाबू सलाम से मैं बाबे जबरील तक पहुंचा, ऐसा लगा कि मैं जन्नत से हो, ऐसा लगा कि मैं जन्नत से हो। किबला अलामा साहब ने बड़ा टफ और मुश्किल सा मौजू छेड़ा है। अब्दुल रहमान भाई आप भी सामने आ जाएं, ताकि जो सुन नहीं सकता वो सुना नहीं सकता, आप बिल्कुल सामने आ जाएं, इधर किबला की भी ज़ियारत करेंगे, इधर दरमियान में आ जाएं। बहुत शुक्रिया कैमरे वाले भाई, इनके उठे हुए हाथ कैमरे की आंख में आपने महफूज करने हैं। किबला सैयदा पाक की बात हो रही थी, पकीज़गी की, तहारत की, तो मैंने कहा उनकी इस्मत में क्या बताऊं तुझे, उनकी इस्मत में क्या बताऊं तुझे, जिनका पैकर अर्श पर सजदे में था। चौथे मिसरे तक मैंने सफर करना है, हुजूर से दाद दुआ तलब करनी है। आप अहबाब अगर पहुंच गए तो पहुंच गए। मैंने कहा उनकी इस्मत में क्या बताऊं तुम्हें, जिनका बैकर आयश कर सजदे में था, जोहर पढ़कर वो हसन की मां बनी, असर में दोनों का सर सजदे में था। जोहर पढ़कर वो हसन की मां बनी, असर में दोनों का सर सजदे में था। और आइए हुजूर वाला एक दो मिसरे इसी पे और समाप्त कर लीजिए, ताकि आपकी मौजूदगी में ही शायद ये अहबाब समाप्त करने में कामयाब हो जाएं। मैंने कहा कुछ इसलिए है तेरा एहतराम सबसे अलग। मुश्किल काफिया मैंने छेड़ लिया है, अच्छे से अच्छे अशआर, मियारी से मियारी बात फैजान शाह अपने लबों पे लाता है। हाथ साथी शायर का शेर कभी नहीं पढ़ा। मैंने कहा कुछ इसलिए है तेरा एहतराम सबसे अलग, खुदा ने बख्शा है माँ को मकाम सबसे अलग, खुदा ने बख्शा है माँ को मकाम सबसे अलग, और खुदा के नूर का जलवा है तेरे आंगन में, है तेरी सुबह जुदा तेरी शाम सबसे अलग, है तेरी सुबह जुदा तेरी शाम सबसे अलग। हुजूर यहाँ पे बात खुल रही है, मैं बात की सस्ती कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे हुजूर के बैतुल शरफ की पहली रकी है तेरा मकाम तेरा एहतराम सबसे अलग, है तेरा मकाम तेरा एहतराम सबसे अलग, और खुदा की जात से शोहर की खैर मांगती है नबी के घर में कोई नेक नाम सबसे अलग, नबी के घर में कोई नेक नाम सबसे अलग, वो खुश नसीब सुहागन जिसे नसीब हुआ। सखियां तो सभी करती हैं याद अपने पिया को, मगर वो सुहागन है करे जिसको पिया याद। हुजूर मैंने कहा वो खुश नसीब सुहागन है, वो खुश नसीब सुहागन जिसे नसीब हुआ। जज़ाकअल्लाह खैर। फरासत भाई तशरीफ लाए, मैं आपको भी समय कल्ब से खुश आमदीद पेश करता हूँ। सात बिस्मिल्लाह जी आया नू। मैंने कहा वो खुश नसीब सुहागन है, वो खुश नसीब सुहागन जिसे नसीब हुआ, हयात का शर्फ़े इख्तिताम सबसे अलग। आइए हजरत जी वकार हाथ उठाइए, एक नारा बुलंद कीजिए, और मैं अपने आए हुए अगले मेहमान को आपको समातों के हवाले कर देना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 सुपर पावर नारे हैदरी, हैदरी।
चापलूसी कर रहे थे, आपकी क्या ही बात है, किसी को इज्जत हो ही देता है जो खुद इज्जत वाला होता है। अल्लाह करीम आपकी इज्जतों को और आपके वक्तों को बुलंद करे। अभी फिर वक्त और शरद तमामी अहबाब तशरीफ रखिएगा, तमामी अहबाब तशरीफ रखिएगा। जिसके सीने में दिल है, दिल में मौला अली का प्यार है, वो हाथ उठाएगा। जिसके सीने में दिल है, दिल में मौला अली का प्यार है, वो हाथ उठाएगा। हाथ नीचे करना, हाथ नीचे करना। जिस बंदे ने अभी भी हाथ उठाया ना कि मैं मौला अली से प्यार करता हूँ, वो बंदा ऐसे ही हाथ उठा के जवाब देने आ रहे हैं, हैदरी हैदरी हैदरी। अब सुनिएगा, मैंने कहा ये शर्फ कौनैन में तनहा अबू तालिब का है, ये शर्फ कौनैन में तनहा अबू तालिब का है, कुल का जो आका है पाला अबू तालिब का है। कुल का जो आका है पाला अबू तालिब का है, क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है, हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। आखिरी शेर, मैंने कहा एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरे आए, एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरे आए, चादर तहीर में कुप्पा अबू तालिब का। हुजूर आपका आ जाना, आपका खड़े हो जाना, यही मेरे लिए समझ और एहसान है। मैंने कहा एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरे आयन, चादर तहीर में कुंबा अबू तालिब का है, फातिमा बिनते असद हैदर की माँ तुझ पर सलाम, तूने साबित कर दिया कि काबा अबू तालिब का है, तूने साबित कर दिया कि काबा अबू तालिब का है। मिट गई नस्ले यजीद, नाम तक भी मिट गया, बच्चा बच्चा आज भी जिंदा अबू तालिब का है, बेटा बेटा आज भी जिंदा अबू तालिब का है, बेटा बेटा आज भी जिंदा अबू तालिब का है। आइए अल्लाह जजी वकार अभी फिल वक्त और सरगस आज के आए हुए हमारे अजीम मेहमान अल नबी उलादी अली हुजूर सैयद सकरैन हैदर शाह साहेब और हुजूर सैयद सुल्तान हैदर शाह साहेब, आपसे मुल्तजी हूँ कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह सरवरे कौनैन में बुरहाए अकीदत पेश करने की साहस पाएं। आप अब मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या